अभी हम बैठे हैं पलामू में, और पलामू की अगर बात करें और केएन त्रिपाठी की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। अभी हमारे साथ पलामू के फायर ब्रांड नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष इंटर, पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री झारखंड सरकार केएन त्रिपाठी जी। आइए उनसे हम जानते हैं उनके राजनीतिक सफर के बारे में और कैसे उन्होंने एयरफोर्स की नौकरी छोड़ और राजनीति की ओर कदम बढ़ाया। जी पहले आप एयरफोर्स में रहे, कैसे आना हुआ समाज सेवा के लिए, देश सेवा से परिवर्तन समाज सेवा? वो भी तो समाज सेवा वहाँ एयरफोर्स में भी है, यहाँ भी समाज सेवा ही है। उस समय बिहार में डिवाइडेड बिहार में माननीय लालू जी की सरकार, कुछ मामले थे जिसके चलते मैंने अधिकारियों को बोला, आईपीएस अधिकारियों, और उनके जो हेडवेट रवैया होता है उससे मुझे लगा कि ये लोग सही तरीके से अपना काम तो दिल्ली में बिहार निवासी में लालू जी से मिली। लालू जी ने उस समय जयप्रकाश नारायण यादव होगा, जयप्रकाश नारायण यादव ने जब एस पी को कहा तो एस पी ने नियम से मुझे लगा कि उस समय सिविल सर्विसेज की कुछ ऐसे घटनाक्रम हो गए थे कि हम अपीयर नहीं हो रहे थे, कुछ व्यक्तिगत मुझे लगा कि जब अपीयर नहीं हो रहे और उस पद पर बैठ कर ये भी न्याय संगत निर्णय नहीं कर सकते, काम नहीं है, उससे अच्छा है कि उस पद पर काम करना पड़ेगा। हमने वहीं पर निर्णय लिया कि हमें राजनीतिक जीवन नहीं जाना और उसके तरफ कदम बढ़ा दिया। वहाँ से नौकरी छोड़ी, छोड़ने के बाद शुरुआत में ही सुनो राजनीतिक गुरु लालू प्रसाद यादव को मानते हैं, गुरु हम नहीं मानते, लेकिन उनके पास जाने से मुझे राजनीतिक शक्तियों का आभास हुआ कि राजनीतिक शक्तियाँ जनहित के लिए कितनी उपयोगी, जनता के कार्यों को करने के लिए जिसके लिए जनता दर पर ठोकरे खाती है, राजनेताओं के एक फोन कॉल उसको न्याय दिला सकते, एक इशारा उसको न्याय दिला सकते। अब मैं नहीं समझ पाए कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, एयरफोर्स में कैसे थे, या फिर एयरफोर्स में? नहीं, एयरफोर्स में जाने के बाद पढ़ाई की जो इच्छा वह इच्छा पूरी नहीं, और उस समय स्टेमिना, क्योंकि एयरफोर्स जो इंजीनियरिंग के लिए जो पूरी पढ़ाई के इंसान होती है उसको पास करने के लिए रात रात घर पढ़ना पड़ता है, जो लोग कठिन परिश्रम, तो उसमें स्टेमिना और बढ़ पढ़ाई स्टेमिना आपकी बढ़ जाए और तो 10 घंटा 8 घंटा 12 घंटा पढ़ने की स्टेमिना हो तो अचानक आप पढ़ाई छोड़ दें, आपकी जब स्टेमिना हो गई, आप दौड़ने में स्टेमिना हो जाए, तुरंत कंपटीशन में उतर जाएंगे कि हरा देंगे दौड़ने वाले, वही खाती है उतर स्टेमिना बढ़ी हुई थी और पढ़ने की इच्छा थी, हम बोले कि बेहतर भविष्य के लिए कार्य किए थे, लेकिन उसी बीच कुछ समसामयिक ऐसी घटना घट गई तो मुझे मैंने एग्जाम दे दिया नहीं हुआ और मुझे इन कारणों में राजनीति में। अभी झारखंड की सरकार की बात करें तो झारखंड में आपकी और कांग्रेस और जेएनयू की सरकार है, कार्यकाल कैसा रहा और क्या देख पाते हैं हेमंत सोरेन सरकार और रघुवर सरकार? रघुवर सरकार तो अहंकारी सरकार थी, घमंडी सरकार थी, भ्रष्ट सरकार थी, डिक्टेटर की सरकार थी, उस सरकार में जनहित के कार्य नहीं। हेमंत सोरेन की सरकार विनम्र सरकार जरूर है, उनसे अहंकार में नहीं,
डिक्टेटरशिप में भी नहीं। हाँ ये जरूर है कि पदाधिकारियों का जो भ्रष्टाचार है खासतौर पर आईएएस अधिकारियों का वो उसी तरह से है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। और आईएएस अधिकारियों का जो अहंकार है, उनका जो रेड टेपिज्म है, वो हेमंत सोरेन की सरकार काबू या हमारी सरकार काबू नहीं कर सकती। और बाकी हेमंत सोरेन जी जिन्होंने बातों को सुनते हैं, काम करते हैं, काम करने का प्रयास करते हैं, उन चीज़ों की बट ये ग्रेट टेपिज्म हैज नॉट बीन कंट्रोल इन इवन इन दिस गवर्नमेंट, करप्शन हैज नॉट बीन पुट कैसे इवन इन दिस, भ्रष्टाचार पर कैसे अंकुश लगाएंगे, सरकार तो डबल इंजन की है तो कहीं ना कहीं आप कहाँ डबल इंजन है, तो आपका तो है डबल इंजन, तो वो लोग करते थे जो दिल्ली में बैठ के नारा लगाते हैं, बैठ के नारा गढ़ते हैं, उन लोगों ने नारा गढ़ा कि डबल इंजन की सरकार, यहाँ तो पता ही नहीं कि डबल इंजन क्यों लगता है मालगाड़ी में, डबल इंजन क्यों लगाया जाता है, दिल्ली में बैठ करके नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में वो लोग नारा गढ़ते हैं। हमारी तो सरकार बस है स्ट्रॉन्ग इंजन की चल रही है, उसमें कई तरह के डिब्बे लगे हुए हैं, कोई डिब्बा बंद डिब्बा है, कोई डिब्बा खाली डिब्बा है, किसी में कोयला है, किसी में सीमेंट है, किसी में तांबा है, किसी में स्ट्रॉन्ग इंजन की सरकार है। हाँ विकास के मामले में पलामू अभी काफ़ी पिछड़ा है, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो क्या क्या लगता है कि इन चुनौतियों पर सरकार, आपकी सरकार आई है, क्या पलामू में विशेष कुछ कर पाएगी, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में कुछ नए तब्दीलियाँ आई हैं, लोग उस पर काम करें, शिक्षा और स्वास्थ्य में काम करने का अच्छा प्रयास कर रहे हैं, कई जगहों पर देख रहे हॉस्पिटल में मरीज हुए हैं, जो पलामू में हम लोगों ने पीएमसीएच जो पास किया था, हमने तारीफ करने हम लोगों ने इसको पलामू को मेडिकल कॉलेज दिया था, उस मेडिकल कॉलेज पर काम हो रहा है, उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए काम हो रहा है, हॉस्पिटल्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए काम हो रहा है, कई तरह के काम स्वास्थ्य और शिक्षा में सरकार क्या लगता है तीसरे फेज की तैयारियां चल रही है, अभी थर्ड फेज की तैयारी मुझे लगता है कि झारखंड में पूरी है और झारखंड अलर्ट है, थर्ड पे जाना नहीं चाहिए, और अभी आ गया तो बहुत कैजुअलिटी नहीं, हेमंत सरकार अगर कंट्रोल वैक्सीनेशन पर क्या कहना है, वैक्सीनेशन में तो आरोप लग रहा है कि हेमंत सरकार ने काफ़ी वैक्सीनेशन लोगों ने वैक्सीन बर्बाद किया, नहीं वो वही बोल रहे हैं कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में बैठ करके जो नारा करते हैं उनके पास नारा नहीं रहता है, तो कहते हैं कि वो जो वैक्सीनेशन का बॉटल था उसको मुख्यमंत्री जी पकड़ करके फोड़ रहे थे बैठ करके, तो इस तरह की बातें लोग करते हैं, वो कुछ नहीं है, फॉर्म बाजार करके मेडिसिन को और वैसा जो जीवन रक्षक मेडिसिन है उसको बर्बाद करेगा, किसी पदाधिकारी को पॉलिटिकल लीडरशिप तो अपने पॉकेट में रखती नहीं है, इट कम्स थ्रू द चैनल स्ट्रेट टू द हेडक्वार्टर ऑफ मेडिकल हेडक्वार्टर, वो डायरेक्ट सिविल सर्जन के पास आता है, भारत सरकार से डिलीवरी होती है, वहाँ रखा जाता है और वैक्सीनेशन क्या लगता है भरपूर मात्रा में वैक्सीन आपको दिया जाता है, अभी तो सरकार ही बता सकती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन का काम चल रहा है लगातार। क्या भूमि विवाद के मामले अक्सर आते रहते हैं, पलामू एक नक्सल प्रभावित जिला है, आपके आज की भी घटना आ रही है कि आज भी स्प्लेंडर से लड़ाई खुद हुई है, दो गुटों में आपस में झड़प की बात सामने आ रही है, क्या मानते हैं माओवादी गतिविधियां हेमंत सरकार में कुछ कम होगी या इधर भूमि विवाद का मामला बढ़ गया है, क्योंकि भूमि दो चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण होती है, एक तो ज़मीन की कीमत दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ज़मीन घटता जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, आबादी बढ़ते जा रही है, भाइयों में बंटवारा होते जा रहा है, जिसके पास कल 100 एकड़ ज़मीन था आज 25 एकड़ का हो गया, कल जिसके पास 25 एकड़ था वो 5 एकड़ का हो गया, जिसके पास 5 एकड़ था वो 1 एकड़ का हो गया, और जिसके 1 एकड़ था वो सिर्फ घर और आंगन में, तो इसलिए और ज़मीन की कीमत कई गुना बढ़ती जा रही है। दूसरा ज़मीन प्रतिष्ठा से भी जुड़ा आन से जुड़ा रहता है,
उसको लगता है कि हमारा जमीन कब्जा होना है, मतलब हमारा प्रतिष्ठा कब्जा हो जाना, आम कब्जा हो जाना, तो इसको लेकर के लोग लड़ाई झगड़ा मरो मारो को उतारू होते हैं। प्रशासन को उसमें सतर्क रहना चाहिए। होता क्या है कि कई जगहों पर पुलिस पदाधिकारी भी उसमें अपना हाथ धो लेना चाहते हैं, इसी के चलते मामला बढ़ जाता है। जहाँ पुलिस सतर्क हो जाती है ये मामला देखिए। एक अहम मामला आ रहा है आपके आपके सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, डाल्टनगंज का जो इलाका है ये खनन से परिपूर्ण है, जेल में लेट यूपीए गवर्नमेंट पर आरोप लग रहा है। हमारी सरकार तो आत्मा है, सरकार की कांग्रेस यूपीए की पार्ट, बट द गवर्नमेंट इज लेट बाई जेल एंड चीफ मिनिस्टर। ये हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो यूपीए की सरकार है उस पर हेमंत मतलब कांग्रेस पर नहीं, जेएमएम पे आरोप स्वीकार कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि जेएमएम पर आरोप है कांग्रेस पर नहीं, आरोप तो सभी लोगों पर होंगे। आपने मुझे कहा कि आपकी सरकार, इसलिए मैंने समर्थित तो आपकी सरकार है, मैंने उसको वो कहा हमारी सरकार नहीं है, ये जेएमएम लेट यूपीए। आप भटका रहे थे, समर्थन तो आपने जेएमएम को दिया है, सरकार में कहाँ है आप नहीं है सरकार के, तो आप मतलब कांग्रेस को नेता हुए, आप मतलब कांग्रेस को, तो आप ये कहिए कि आपकी पार्टी समर्थित सरकार, तो मैं मानूँ आपकी मतलब मैं आपकी आपकी सरकार मतलब कि आप कांग्रेस नेता है, आप कांग्रेस की सरकार है, स्वाभाविक सी बात है कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगेंगे। अगर जेएमएम और कांग्रेस समर्थित सरकार चल रही है तो आरोप तो कुछ लगेंगे ही। अब जो आ रहे हैं कुछ खनन अवैध हो रहे हैं, उन लोगों के नेतृत्व में कराए जा रहे हैं, इस पर कितनी सच्चाई है मैं लूँगा, कौन सी बालू की बात कर, बालू की भी बात कर ले और अवैध गिट्टी और पत्थर की बात। देखिए ये माफिया इस राज्य में और हर राज्य में, बालू के माफिया, शराब के माफिया, पत्थरों के माफिया, हर राज्य में सक्रिय है। और कुछ सरकार के नॉलेज में होता है, कुछ सरकार के बिना संज्ञान में रहे अधिकारियों को मिला करके कर दिया जाता है। मुझे यही पता चला अभी, मैं ज़्यादा नहीं एक महीना दो महीना पहले की घटना बता रहा हूँ कि गोपिया से जो डाल्टनगंज का विधायक है सर्टिफिकेट इशू, रात को 100 ट्रक बालू का है, मैं डिप्टी कमिश्नर को फोन किया, पदाधिकारियों को फोन करके उसको रुकवाया, वो ट्रक्स पकड़े गए बालू की काला बाजारी रूपी। मैंने उस समय से माइंस सेक्रेटरी श्रीनिवासन जी को फोन किया, मैंने बोला कि इस तरह का यहाँ हो रहा है, उन्होंने मुझे लगता है कि दो दिन के अंदर चिट्ठी भेज दिया सारे कार्य रूप है, तो निसंदेह वो सरकार के संज्ञान में नहीं हो रहा। माफिया लोग नीचे के पदाधिकारियों को मिला के काम करते हैं, तभी तो रुका, नहीं तो फिर रुकता क्यों? यदि सरकार के संरक्षण में या सरकार से हो रहा होता तो नहीं रुकता। तो ये रुक जाना ही बताता है कि सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। नीचे के जो माफिया है पदाधिकारी रात को 2-3 बजे चोरी करते हैं, तो इन चोरियों पर लगाम लगाना चाहिए, जनता को जागरूक होना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। हारने को मुख्य हो जाता है किसको, हमारे चुनाव हारने के लिए राजनीतिक कंसेप्ट है। फलानों में फलानों का जो कल्चर है आपके और हमारे बिहार और झारखंड का फलानों भाग में वो मिलता हुआ कल्चर है। बिहार के चुनाव का जो प्रतिफल है वही पलामू के चुनाव का। यहाँ चुनाव जब आता है तो दोनों नारे बड़े जोर शोर से लगते हैं, एक जातिवाद का नारा और दूसरा धर्मवाद का नारा। और उस व्यक्ति को जो उस परिवार को जिसने जातिवाद के नारे पर राजनीति की, उस परिवार को धर्म का चादर लिबादा बढ़ा दिया है। और ये दोनों नारों के एक साथ जुटने के बाद मुझे नहीं लगता था कि हमको शिकस्त होगी, लेकिन चुनाव के दिन कुछ ऐसी घटना घटी जिससे लोगों ने बूथ पर कम पड़ती थे लोगों को गुमराह करते वही उर्दू को रख लिया गया है सरकारी नौकरी में और हिंदी गायब, इस पर आप क्या कहें? हम उर्दू और हिंदी की बात नहीं,
सरकार ने कुछ गलतियाँ की है और कुछ हमारे कम पढ़े लिखे जो नौजुवक हैं जो दिन भर मोटरसाइकिल लेके इधर उधर पान खाते चलते हैं, सांस में सिगरेट पीते चलते हैं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, उनको ये जानकारी होती है। सरकार ने ये किया है कि उस भाषा में 30 नंबर को छोड़ के 30 नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स या तो अंग्रेजी या तो हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 नंबर को हिंदी और अंग्रेजी के लिए मैंडेटरी है कि 30 नंबर हिंदी या अंग्रेजी में या दोनों में वो मैंडेटरी है कि वो 30 नंबर में आपको पास होना है तभी बाकी आप आ पाएंगे। और उसके बाद बाकी भाग बाकी प्रश्न भी हिंदी या अंग्रेजी में पूछे जाए। तो 30 नंबर जो है वो 12 भाषाओं को सरकार ने लिया है जिसमें बंगाली, उड़िया, उराव, मुंडा, हो, कई भाषाओं को जो राज्य में बोली जाती है जनजातीय भाषाओं को लिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने इस भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मिलित करने का कारण यह निकाला कि दूसरे राज्य के लोग ना हैं, ठीक है, तो उड़िया भाषा से उड़ीसा के लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं, बंगाली भाषा से बंगाल के लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं, मगही भोजपुरी भाषा से बिहार के लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो जब उड़िया, बंगला और दून भाषाओं को ले लिया, पलामू में ये जो 12 भाषाएं हैं ये 12 भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं पलामू, बड़वा, लातेहार, चतरा इनमें कम बोली जाती हैं, नहीं के बराबर, तो बहुत सारी मगही और भोजपुरी भाषा बोली जाती है, कुछ लोग अंगिका मैथिली भाषा भी बोलते हैं। तो सरकार को ये चाहिए था कि मगही, भोजपुरी और इन भाषाओं को भी उसमें क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करें, इन भाषाओं को शामिल करने से इधर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है कि इधर के लोग बोलते हैं। जो जो इन भाषाओं को नहीं जानता है, कोई राजस्थान और पंजाब का व्यक्ति का हो का कलेरा ई भाषा एक क्वेश्चन पढ़ेगा तो नहीं समझ जाएगा कि का एक्चुअल करना चाहे, उसको समझने में समय लगेगा और वो 30% नंबर में कम मार्क्स लाएगा, वो सक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आपने 12 भाषाओं को हमने लिए और पहले हमने भोजपुरी और मगही बोली को भी भाषा में सम्मिलित करते हुए विधानसभा में पारित कर दिया है मैथिली और अंगिका को, तो जब हमने सबको ले लिया है तो 12×4=16, तो 16 भाषा को हम लोग को लेना चाहिए क्योंकि इधर के लोग तो फिर वंचित रह जाएंगे, फिर तो इन भाषाओं में पासिंग मार्क कर नहीं पाएंगे। तो 4 भाषा को और ले लिया गया, नहीं लिया गया, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि आप इन भाषाओं को भी लीजिए तभी इन तीन चार जिलों के लोगों का कर्मचारी चयन आयोग में ये लोग अपना जा पाएंगे, इन भाषाओं के माध्यम से ही इनका चयन होगा। अब कम पढ़े लिखे जो कुछ चटपटा रहे हैं कि हिंदी क्यों नहीं, हिंदी क्यों, अरे क्षेत्रीय भाषा हिंदी थोड़ी, हिंदी तो राष्ट्रीय भाषा है, ये क्षेत्रीय भाषा लिया गया है कि 30 नंबर में क्षेत्रीय लोगों को ले सके, तो राष्ट्रीय आरक्षण नहीं, भाषा में आरक्षण नहीं है। दक्षिण भारत बहुत सारे राज्य जो हैं कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, इन भाषाओं का उपयोग करके अपने राज्य के लोगों को ये प्राथमिकता तय कर, बात तो वही हो जाती है ना, तो भाषा में आरक्षण की तो बात पूरे देश में ही भाषा है, चाहे वो पंजाब ले लीजिए से लेके दक्षिण भारत का ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, हर राज्यों में झारखंड ने अपना वही किया है। मतलब उम्मीद है आपको कि 4 भाषाओं को जोड़ लिया जाएगा सरकार, मुझे लगता है सरकार को जोड़ना चाहिए, पहल करें सरकार को जोड़ना चाहिए और सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कहा है कि इन भाषाओं को जोड़िए, जब बंगाल और उड़ीसा के लोग आ सकते हैं तो बिहार में हिंदी के भी लोग थोड़े आ जाएं। लेकिन हिंदी कर देने से ये है कि क्षेत्रीय भाषा जो 30 नंबर है उसमें हिंदी कर देने से फिर तो मामला ही खत्म हो गया, फिर तो भाषा का कोई जरूरत ही नहीं रहा, फिर तो पूरे देश के लोग, क्योंकि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, सारे लोग आ ही जाएं और हिंदी बाकी 60-70 नंबर जो बच रहा है उसमें तो हिंदी है ही है। ये तो सिर्फ 30 नंबर में क्षेत्रीय भाषाओं को लिया गया है और इसमें मगही, भोजपुरी और ये जो 2 भाषाएं हैं इनको सरकार को, और 2 भाषाएं हैं इनको रख लेना चाहिए और रख के कर देना चाहिए। तो ये बोली के रूप में स्क्रिप्ट तो सेम है, वही देवनागरी स्क्रिप्ट है, वही लिखने का तरीका है, बस प्रश्न पूछे जाएंगे बोली, बस हाँ बस बोली बदल जाएगी जिससे
हमारे घर पे बहुत बहुत संपन्न राज्य पलामू एक संपन्न राज्य। युवाओं को राजनीति में आने के लिए क्या टिप्स देना चाहिए? युवाओं को राजनीति की जरूरत, यदि युवा राजनीति नहीं है तो राजनीति लगे। मैं तो देख रहा हूँ राजनीति में कोई कंपटीशन नहीं है। राजनीति सारे राज्यों में, कई राज्यों में मैं घूम रहा हूँ, कई राज्यों के राजनेताओं को देख रहा हूँ, ह्यूमन रिसोर्स बहुत कमजोर है। और क्योंकि राजनीति में बहुत संघर्ष है, बहुत फाइट है, बहुत लड़ाई है, वो संघर्ष करने की मादा युवाओं में नहीं है। जिन लोगों के प्रशासन होगा, मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, कई तरह के अभाव से जूझते रहने का, मान अपमान सम्मान का बिना ख्याल किए हुए जनहित के काम करने का, जिसको इतना समझ जाने का माता हो, बड़े बड़े घटनाओं को बर्दाश्त कर लेने की जिसमें क्षमता हो उसको राजनीति। अभी हमारे साथ थे कांग्रेस के दिग्गज नेता, एनटेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री श्री किरण त्रिपाठी। इन्होंने काफ़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा है। पलामू में चल रहे अवैध खनन की बात हो या सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार के अंकुश लगाने की बात हो, विभिन्न मुद्दों पर इन्होंने खुलकर बात रखी है। कैमरामैन रवीश के साथ सर्वेश मिश्रा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।